May I come in, sir? Yes, come in. सर नमस्ते, थैंक यू सर। कहाँ से आए संजय दुबे जी आप? सर मैं ग्वालियर से आया। अपने बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए, पेरेंट्स क्या करते हैं, स्कूलिंग क्या आपकी कैसे? सर मेरा नाम संजय दुबे है, मैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग डबरा से ही गवर्नमेंट स्कूल से की है, इसके बाद मैंने स्नातक में बीकॉम और एलएलबी किया है और मास्टर में मैंने एलएलएम किया है। इसके बाद से मैं लीगल प्रैक्टिस कर रहा हूँ और साथ साथ में मैंने लॉ रिसर्चर की जॉब भी की थी हाई कोर्ट में। इसके बाद वर्तमान में अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ और एडीपीओ की तैयारी कर रहा हूँ। प्रैक्टिस कहाँ, ग्वालियर में कर रहे हैं? ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करते हैं, तो कोई सीनियर्स हैं आपके यहाँ की? जी सर मेरी सीनियर है। तो सिविल की करते क्रिमिनल की? क्रिमिनल की करते। क्रिमिनल की करते जी। ये लॉ रिसर्च वाला ग्वालियर बेंच में किया? जी सर। किसके किस ऑनरेबल के साथ थे आप? ऑनरेबल जस्टिस श्री रोहित आर्या एंड ऑनरेबल जस्टिस श्री आनंद पाठक जी। तो कोई ऐसा बताएं जिस पे आपने रिसर्च करके कोर्ट को दिया हो? जी सर, ऑनरेबल जस्टिस आर्या साहब के यहाँ सर नर्सिंग घोटाले को लेकर एक केस चल रहा था जो कि अभी भी मतलब चल रही है, जिस पर इन्वेस्टिगेशन, इसमें सीबीआई ने रिपोर्ट दी थी। तो जो आर्या साहब थे उनने मतलब कि इन्वेस्टिगेशन का इसमें आदेश दिया था सीबीआई, उसमें मतलब मैंने केस लॉ निकाले थे। किस किस बात के लिए केस लॉ? इसके लिए निकाले थे कि मतलब एक्चुअली सर कि 2022 में मतलब मैंने जॉब छोड़ दी थी तो मैंने रिकॉल नहीं हो रहा। अच्छा आप ये बता दें कि ये सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन कैसे हो सकता है? सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर सर, एक तो जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो अगर रिकमेंड करे, सिफारिश करे किससे, मतलब केंद्र सरकार से, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट आदेश दे देती है, या फिर हाई कोर्ट मतलब कि रिकमेंड करे तो फिर स्टेट गवर्नमेंट। हाई कोर्ट क्यों रिकमेंड करेगी? कोर्ट को रिकमेंड करने का तो कोई होता नहीं है। हाई कोर्ट मतलब कि ऑर्डर कर देती है ऑर्डर, तो फिर सीबीआई की मतलब इन्वेस्टिगेशन होती है। स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करे, हाई कोर्ट ऑर्डर करे? जी सर, हाई कोर्ट ऑर्डर कर देती है तो इन्वेस्टिगेशन होगा सीबीआई से। जी सर। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सर आदेश तो नहीं देते सर, मतलब उसकी नॉलेज नहीं। बताएं आप तो एलएलएम भी है। नहीं सर उसकी नॉलेज नहीं है मेरे को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। कोई ट्रायल कंडक्ट किया आपने? जी सर। कौन से सेक्शन में किया, क्या केस था? सर एक मारपीट का केस था जिसमें कि धारा 294, 506, 323 और धारा 34 लग गई थी। तो धारा 34 क्या है सर? जो मतलब कि क्रिमिनल इंटेंशन के बारे में बताती है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी अपराध को करते हैं और उनका सबका इंटेंशन समान हो तो सेक्शन 34 एप्लीकेबल होता है। और 147 क्या है? 147 सर वो तो सर मतलब अनलॉफुल असेंबली। 144 क्या है और 149 सर? 141 क्या है सर? आईपीसी सर 141 में सेक्शन 34 तो हो गया कॉमन इंटेंशन। जी सर। कॉमन ऑब्जेक्ट का सेक्शन क्या है सर? 149 है वो। जब डेफिनेशन किस सेक्शन में है वन कॉमन ऑब्जेक्ट की? 141 में अनलॉफुल असेंबली। तो वही तो हमने पूछा आपसे। जी सर सॉरी। उसको क्या बोलते हैं? अनलॉफुल असेंबली। कितने लोग होते हैं उसमें? कम से कम 5 या उससे अधिक व्यक्ति होना चाहिए। तो फिर ऑफेंस कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगा उसमें? ऑफेंस मतलब 5 या अधिक व्यक्ति मतलब 141 में जो बताया गया है 5 प्रकारों से किसी भी एक प्रकार से मतलब विधि का उल्लंघन करते हैं तो उसको अनलॉफुल असेंबली मान लिया जाता है। और उसमें से किसी एक ने किसी को मारा तो फिर बाकी ने कुछ नहीं किया? अगर मतलब सबका दायित्व मतलब बनता है उसमें भी, सबका मतलब जो भीड़ है मान लो अगर किसी ने भी मतलब किया और अन्य वो मतलब ये जानता था कि मतलब जब वो सम्मिलित हुआ था उसमें अनलॉफुल असेंबली में वो जानता था कि ये मतलब किसी विधि विरुद्ध उद्देश्य के लिए मतलब तैयार है। 5-7 लोग एक जगह खड़े इकट्ठे होकर एक को मारना है और एक व्यक्ति आता है वो भी उनके साथ जाके खड़ा हो जाता है तो वो क्या अनलॉफुल असेंबली का मेंबर होगा? अगर वो सर जानते हुए खड़ा हो जाता है कि मतलब कि ये कोई विधि विरुद्ध मतलब कर रहे हैं और फिर वो जानते हुए इसमें सम्मिलित होता है तो फिर वो माना जाएगा सर।
और अगर वो अज्ञानता बस मतलब ऐसे ही सम्मिलित मतलब खड़ा है बस, अगर मतलब खड़ा है लेकिन अगर उसने मतलब वो जानता है कि ये विधि विरुद्ध कर रहे हैं पहले से, तो फिर वो मान जाएगा। जी तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं, मैं तो जाके खड़ा हुआ, अपन चौराहे पर गए, हम झगड़ा हो रहा है, अपन जाके खड़े हो गए। नहीं सर, तो खड़े होने में सर इंटेंशन तो वही तो पूछ रहे हैं हम आपसे। अच्छा ये बताइए, जैसे एक सोल्जर, एक आर्मी ऑफिसर है जी, एक आर्मी ऑफिसर है, वो अपने सोल्जर से कहता है कि सामने जो भीड़ आ रही है उस पर गोलियां चलाओ। सोल्जर है वो जानता है कि जो गोली चलने से निर्दोष व्यक्तियों की हत्या हो सकती है, लेकिन फिर भी वो गोली चलाता है जिससे दो निर्दोषों की हत्या हो जाती है। क्या सोल्जर ने कोई अपराध किया? सर इसके संबंध में आईपीसी के सेक्शन 76 से अपवाद वाला, अगर वो विधि द्वारा अबद्ध और तथ्य की भूल के कारण अगर ऐसा कर रहा था तो बचाव हो जाएगा उसका, और उसकी सीनियर ने अगर उसको निर्देश दिया है तो फिर वो उस बचाव में कवर हो जाएगा और सोल्जर द्वारा कोई अपराध नहीं माना जाएगा। वो जानता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है, फिर अगर वो निर्देश पे कर रहा है तो सीनियर के मतलब खुद से कर रहा है तो अपराध है, और अगर निर्देश पर कर रहा है तो फिर वो मतलब बचाव ले लेगा 76। चलिए सर ने कॉमन ऑब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा था, मैं कॉमन इंटेंशन से क्वेश्चन पूछता हूँ। प्रश्न ये है कि तीन दोस्त दारू पीकर एक मोटरसाइकिल से जा रहे हैं जी, चोरी करने या डकैती करने, ये यहाँ से तो निकले हैं योजना बना के प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड के साथ, रस्ते में क्या होता है इसमें से जो तीसरा दोस्त होता है वो ज्यादा दारू पीने की वजह से गिर जाता है, दो को पता ही नहीं चलता, ये घटना स्थल पे जाते हैं चोरी डकैती लूट जो भी करते हैं उसके करके आ जाते हैं, जब पुलिस पकड़ती है तो तीनों को पकड़ लेती है कि क्योंकि तीनों योजना में शामिल थे। अब दो ने तो लूट डकैती चोरी जो भी किया था वो कर दिया, जो तीसरा व्यक्ति था जो उस घटना स्थल तक नहीं पहुंच पाया, क्या इसने कोई अपराध किया है? इसने सर आपराधिक षड्यंत्र का अपराध किया, जब शराब पी थी तब मतलब कि उसने भी योजना बनाई थी तो मतलब आपराधिक षड्यंत्र का आ रहा है, बाकी और जो चार्ज हैं जैसे कि जो लूट की है उसमें वो नहीं आएगा क्योंकि वो मौके पर गए ही नहीं। तो कॉमन इंटेंशन तो थी उसकी, क्योंकि कॉमन इंटेंशन का मतलब तो शायद प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड होता है, तो क्या इसकी प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड तो था और प्री प्लान्ड एक्ट भी था आपका? प्री प्लान्ड सर अवश्य था, लेकिन वो सर मौके स्थल मतलब घटना स्थल पर पहुँचा नहीं, उसने कोई एक्ट ही नहीं किया सर। ऐसी कौन सी चीज़ है जो इस व्यक्ति को बचाएगी? एक शब्द आपको पकड़ना है, शराब के नशे में अगर कोई अपराध करता है तो। लेकिन उसमें क्या होता है कि अगर स्वेच्छा से हो शराब का नशा तो मतलब बचाव नहीं है, और अगर इच्छा के विरुद्ध और मतलब उसके ज्ञान के बिना नहीं, वो घटनास्थल तो पर नहीं पहुंचा, घटनास्थल पर नहीं पहुंचा, आप कह रहे हो कि इसका उसे बचाव मिल जाएगा, तो ऐसी कौन सी चीज जो है जो कह रही है इस सेक्शन में, एक शब्द आप मुझे बताइए जो कहती है कि घटनास्थल पर होना आवश्यक है, या कोई ऐसा शब्द है इस डेफिनेशन में? हाँ सर इसमें आता है ना कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति सम्मिलित होकर, एक शब्द आप बताइए, मतलब उस शब्द को पकड़िए, सम्मिलित तो वो था, सम्मिलित था लेकिन सर मतलब एट द टाइम मतलब प्लेस पे, एक फर्दरेंस शब्द है आपका, हाँ, शायद आप उसको जोड़ पा रहे हो, क्योंकि फर्दरेंस में कोई कारण नहीं। जी सर सॉरी, फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। जी आपने लिखा है 2 ईयर एक्सपीरियंस इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना, तो आप बता सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे मेंशनड है आर्टिकल? सर आर्टिकल तो रिकॉल नहीं हो रहा है सर, लेकिन प्रोविजन तो है सर। ठीक है, अच्छा आपने अपनी इंटरेस्ट में लिखा है रीडिंग न्यूज़पेपर है ना जी, तो आप एक सिंपल से क्वेश्चन पूछता हूँ, नीति आयोग का चेयरमैन कौन है प्रेजेंट में? नीति आयोग के चेयरमैन मतलब श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछता हूँ कि जैसे सुप्रीम कोर्ट की रीजनल बेंचेस स्टैब्लिश करने की बात चल रही है ना, तो अगर हम इसको ना इस्टेब्लिश करें ठीक है, तो इसका अल्टरनेट क्या हो सकता है, क्योंकि इसका मतलब जैसे अभी सिर्फ दिल्ली में है ना सुप्रीम कोर्ट, तो कह रहे हैं कि इसकी बेंचेस दूसरी जगह करनी चाहिए और भी स्टेट्स में, तो अगर ये ना किया जाए तो आप इसका क्या अल्टरनेट सॉल्यूशन सजेस्ट कर सकते हो? सर अगर ना किया जाएगा तो एक मतलब अगर अदर बेंच बनती है तो एक सुविधा होगी वहाँ के जो स्थानीय लोग होंगे, तो उनको मतलब कि जैसे कि दिल्ली दूर पड़ता है कुछ लोगों को। नहीं नहीं मैंने बोला कि नहीं इस्टेब्लिश करना है, अब आप अल्टरनेट सॉल्यूशन बताओ, प्रेजेंट स्थिति है वही है, बस आप अल्टरनेट सॉल्यूशन बताओ कि
अच्छे से जुडिशरी का वर्किंग भी हो। अभी जैसे कि हमारा जो नया लॉ आया है क्रिमिनल, उसमें मतलब कि वीडियोग्राफी पीसी के थ्रू अगर सुनवाई हो जाए तो फिर बेंच मतलब स्थापित करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है। वर्चुअल हियरिंग क्या होती है? वर्चुअल हियरिंग में क्या होता है कि कोर्ट में आना जरूरी नहीं होता, मतलब ये कि अधिवक्ता मतलब ऑफिस से ही बैठ के अपनी आर्गुमेंट कर सकता है और न्यायाधीश वहीं कोर्ट से ही अपनी सुनवाई कर सकता है। ठीक है। ओके। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर।